भाभी हो चुके कंफ्यूज, उनको हेयर कलर कराना था। ये ना मिक्सअप करके थोड़े से हो जाएगा। मिक्सअप होके हो जाएगा भैया, हो जाता है। जैसे ये भी अगर ऐसे चाहिए तो ये भी हो जाएगा। नहीं ये वाले नहीं, इन दोनों में ठीक है, हो जाएगा। ये खुद तो कंफ्यूज होंगी और हमें भी साथ में कर देंगे। कह रही मिक्स करके मतलब बालों में मिक्स हो जाएगा। मतलब भैया ने मेरी बेइज्जती कर दी, पहले के हो जाएगा। आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। तो जल्दी बताओ आप कौन सा करा रहे हो इनमें से? इन दोनों में से ही कर दो। चलो तो ठीक है, अलग से दिखाई नहीं देगा। पहले वॉश वगैरह करके ही तो करोगे। वो इनकी हेडेक है, अब वो अपने आप करेंगे। वॉश करें कैसे करें, कितने खुश लग रहे हैं। बहुत टाइम से हमारा प्लान बन रहा था कि मुझे भी कराना था, भाभी को भी और मोना को भी कराना था कलर। तो मोना को तो हम घर छोड़ गए बच्चों के पास। मोना को तो मतलब बच्चों के पास छोड़ा है हम, कि तू वेट कर, हम इधर आते हैं भाभी का करा के फिर हम घर जाएंगे, फिर मैं उसको लेके आऊंगा, फिर कराएंगे। और ये देखो कितनी खुश हो रहे हैं। आप व्हाइट वाला करा लो, मजे आ जाएंगे। मम्मी देखती गई नहीं, मम्मी कहेगी मैं अपनी बहू को कैसे छोड़ के गई थी, कैसे कर दिया इन्होंने। देखो कलर दिखाते हैं। गोलू कहेगा अबे ये क्या करा लिया तूने, ये वाला करा लो देखो कितना प्रीटी लग रहा है। ये लाल करा लो। मुझे भी कराना है कलर, मैं देख रही हूँ अभी मैं कौन सा कराऊँ, बट मैं कराऊंगी कलर तो मैं, हाँ मैं भी कराऊंगा कलर। नहीं नहीं मैं भी कराऊंगा कलर। भाभी डर रही है कभी मेरे करा के और खुद अपने ना कराएं, ऐसा नहीं है, कराएंगे आपके साथ। हम भी अपने आप को लपेटे में। ये डैंड्रफ के लिए क्या बता रहे आपके तो सर, मैं भी डैंड्रफ करा सकते हैं। सॉरी वैसे कोई शैम्पू वगैरह नहीं है, मैं बता दूं। मैं सोच रही हूँ मैं नेल आर्ट भी करा लूँ, पर मुझे कौन सा कराना है। ये तो बहुत सिंपल सिंपल से हो गए। और ये भाभी के बाल तो हैं लंबे। ओहो भाभी आप छोटे करा लो, इतने इतने करा लो, हल्के से नीचे से कटिंग। हाँ कटिंग तो ये कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, इतना तो करेंगे सही रहेगा। वो तो हो जाएगा हल्की सी, ये जो नीचे से है। यस यस मैं हो जाएगा ठीक है। और मेरा नेल्स का कर रहे हो तो बता दो भैया, थोड़ा स्मूथनिंग वो अलग से आपका आने है, स्मूथनिंग का भी हो जाएगा। अरे अभी दे देना, अभी सब कुछ कर दो, अब आप ऐसे मत करो। मैं वो मास्क लगा रहा हूं, अब कलर करूंगी थोड़े दिन तो दिखाने खोल के। अभी हमें जाना है फंक्शन में, इसलिए तैयारियां स्टार्ट। आइए पधारिए, ये भाभी का होगा। मानो आपको वो वाइट वाला हो जाए गलती से तो मैं भाई जी मरे तो बाद में जो जीना आराम कर देंगे आप सबका। सोचो तो सही, एक बार वाइट हो जाए डुगी क्या कहेगा। मैं सोच लिया डुगी क्या कहेगा। जिस पे हम लोग कलर हो गया वो तो समझ नहीं के हो गया, जो न्यू ग्रोथ आएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आपको टचअप ही लेना पड़ेगा। अभी कितने मंथ तक चलेगा ये तो आराम से चलेगा। कितना आपको कभी कटने होगा, जो रूट से आएगा ना आपको वही गिरे आएगा जो निकलता है, और तो फिर लॉन्ग टर्म करेगा। तो ये भैया के बाद मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अगर कलर गया वैसे जाएगा नहीं तो पता है। ये पहली बार करा रहे, मैं तो नहीं करा रहा ना। तू कर दे भाई उसको कम। दे रहे हो आप पैसे इनका जो सेवा पानी उसमें करवा रही हेयर में 8000 में। 8000 ठीक है भाई, ये 8000 में कर रहे हैं तो पूरी सेवा पानी मांग रहे, बोल रहे कि मुझे पूरी मतलब अच्छे से करके देना भैया मेरे बाल वाल। मैं सोच रही हूँ मैं अपना करा लूँ। भैया नेल्स का बताओ, नेल्स का कर रहे हो आप भैया? अभी कलर करवा कितने दिन बाद सर धोए? अभी का तो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है बालों का। और फिर मैंने सोचा मैं फ्री होकर क्या करूँ, तो मैं अपना हेड वॉश ही करा लेती हूँ। तो हम करा लेते हैं हेड वॉश अपना, तब तक के लिए देखते हैं आगे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाभी के कलर, वो बाल देखने वाले वो पहली बार कराते हैं। हाँ भैया आपके बाल तो भाभी लंबे हैं, मेरे को पहले दिखे नहीं थे, अब जूड़ा बना के रख। हाँ
ऐसे लग रहा, पता नहीं सर में से कितना बड़ा बोझ निकल गया। तो गाइज मसाज कराती रहनी चाहिए, मसाज करानी चाहिए बालों में, ऑयलिंग मसाज जरूर कराएं, मेरी तरह आलसी ना बने, तेल लगवाने के ना बहाने कि हमें नहीं लगवाने, ना तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा बोझ मेरे सर से उतर गया, तो करानी है, याद रखना है बस। इनके बालों का प्रोसेस हो चुका है स्टार्ट, और मैंने इनका देखे वाइट कलर होगा इनका। क्या सही में पूछ लो भैया, व्हाइट कलर के लिए बोल दिया था ना मैंने। कोई नहीं, जब तक मम्मी आई मम्मी कहेगी ओए मेरी बहू को क्या कर दिया। एक बार तो डर जाएगा, उसको पता है आप आ गए नहीं, नहीं तो फोटो भेजते मैं भाई सफेद कलर करा रही, देख ले मैं कह रही मैं तो यही कराऊंगी। तो फोटो भेजे मेरा नया लुक देख गयो तो। डुगु फिर तो आपको बस तक भी नहीं कहेगा कि मम्मा मुझे बस तक छोड़ाओ, फिर कहेगा ऊपर ही रहो। दूर रहे अब। पूरे वाइट हो गए भाई। एक बार तो डर जाएगा, फिर हम बाद में ब्लैक करा लेंगे, तो हमने सोचा भाभी के ना ब्लैक मम्मी जगह लिया था ना मैं ये दोनों कलर कहां नहीं क्या होता तो करा देते अभी। ऐसे लग रहा है वो वैसे पेंट वाला वो नहीं करते मेहंदी लगाते उस टाइप में हो रहा है। क्या बोल के होगी एक एक कटिंग थोड़े से नीचे कर दो, हाँ काट दो, वो परफेक्ट कटिंग हो गई, अब खुश हो जाओगे, मस्त हो गए, एक नंबर की कटिंग। हम लोग देखते हैं बाबी का फाइनल लुक, दिखाओ पीछे से दिखा ना बाल, मुझे अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छी कटिंग करी है भैया आपने, पूरा परफेक्ट, कलर भी अच्छे से हो गया, ऐसे लग भी नहीं रहा है कि ओवर करा रखा है कुछ, आपके उससे ना मैच हो रहा है पूरा। इधर देखा ना, ओ हाँ सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ तो आप खुश हो। अच्छा लग रहा है ना ये वाला, हमें चॉकलेट वाला चाहिए वैसे वाला ले लें, और केक लेते हैं, अपना केक पसंद करते हैं ये ले लेते हैं।
हो गए भैया, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी है यार, यम्मी लग रही है, सारी पीस ले लो। हमारी पाव भाजी भी पैक हो गई है, हमने गोलगप्पे भी ले लिए, तो चलते हैं घर पे। हमने पैक करा लिया, हरीश ने पैक करा लिया अपने लिए जितना भी खाना था। और भाई बाहर मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, एकदम से इतनी ठंड बढ़ गई है। वैसे तो कैसी लगी आपको की कटिंग? मस्त लगे, बाल बाहर की साइड निकालो।